हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को थारोली समझेंगे। बेसिकली ये जानेंगे कि जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, जिसको हम गैन भी बोलते हैं, इसके जो दो मेन गेम प्लेयर हैं, जिसको हम जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं, ये बेसिकली काम कैसे करते हैं, ये किस तरह से हमारे इमेज के इनपुट इंफॉर्मेशन को, फीचर को एक्सट्रैक्ट करके, उसी फीचर को यूज करके उस इमेज की जस्ट डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि जो जनरेटिव वर्ड यहाँ यूज हो रहा है और एडवर्सल वर्ड यहाँ यूज हो रहा है इस नेटवर्क पे, बेसिकली इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, और इसी को समझने के लिए हमें दो वर्ड्स को समझना होगा, जो कि जिसमें पहला है डिस्क्रिमिनेटिव और दूसरा है जनरेटिव। ठीक है, तो जो हम गैन नेटवर्क पढ़ रहे हैं, बेसिकली इस गैन नेटवर्क में अगर ध्यान से आप पढ़ें तो दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। ठीक है, जिसमें पहला वर्ड है हमारा जनरेटिव, दूसरा है एडवर्सल। जनरेटिव का मतलब यह है कि हमारा जो नेटवर्क है वो पिक्चर में एग्जिस्टिंग फीचर्स को, इंफॉर्मेशन को यूज करके कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ नया डेटा, कुछ नए तरह की इमेज क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ये नेटवर्क क्या कर रहा है, एडवर्सल कर रहा है, विरोध कर रहा है। किस चीज का विरोध कर रहा है, हमारे नेटवर्क ने जो नया डेटा बनाया, जो नया पिक्चर इंफॉर्मेशन दिया, ओल्ड पिक्चर की इंफॉर्मेशन को यूज करके हमारे नेटवर्क उसका एडवर्सल कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो देयर आर टू थिंग्स एग्जिस्ट इन दिस गैन नेटवर्क। फर्स्ट वन इज जनरेशन, फर्स्ट वन इज जनरेटिव एंड सेकेंड वन इज एडवर्सल। मतलब हम कुछ जनरेट कर रहे हैं और फिर वो नेटवर्क उस चीज का विरोध कर रहा है, और जिस वजह से उस चीज का विरोध कर रहा है, अगले इटरेशन में हम उस चीज को रिजॉल्व कर देंगे, रिमूव कर देंगे, फिर एक नया जनरेशन होगा, फिर नेटवर्क उसका विरोध करेगा, फिर हम नया चीज जनरेट करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा नेटवर्क उस जनरेटेड पिक्चर इंफॉर्मेशन का विरोध करना ना बंद कर दे। इट मीन्स हम नई नई इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे और जो हमारा डिस्क्रिमिनेटर है उन गलतियों को पकड़ने की कोशिश करेगा, और पकड़ के जनरेटर को बोलेगा नहीं ये सही नहीं है, जनरेटर फिर कुछ चेंजेस करेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक सर्टेन इटरेशंस के बाद हमारे पास जो आउटपुट निकल के आएगा, जो पिक्चर इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, वो पिक्चर इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट पिक्चर इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर यहाँ देखें तो कह रहा है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क और गैन फॉर शॉर्ट आर एन अप्रोच टू जनरेटिव मॉडलिंग यूजिंग डीप लर्निंग मेथड सच एज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली जो हम गैन की बात करते हैं, ये गैन बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये कुछ डीप लर्निंग मेथड्स को यूज कर रहा है, और साथ ही साथ इसमें हम सीएनएन नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जनरेटिव मॉडलिंग इज एन अनसुपरवाइज लर्निंग टास्क, और ये जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क में जो हम मेथड यूज करते हैं, जो प्रोसेस यूज करते हैं, वो सुपरवाइज लर्निंग में नहीं आती है, वो अनसुपरवाइज लर्निंग में आती है, क्योंकि हम फीचर्स को यूज करके लेबलिंग नहीं कर रहे हैं, हम गिवन पिक्चर की इंफॉर्मेशन को यूज करके ये नहीं बता रहे हैं दिस इज कैट इमेज, दिस इज डॉग इमेज, वी आर नॉट क्लासिफाइंग दिस इमेज, वी यूज द फीचर ऑफ द इमेजेस एंड जनरेट न्यू इंफॉर्मेशन। सो दिस 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 मेथड, दिस मैकेनिज्म व्हिच कम्स अंडर जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोसेस। ओके, इन मशीन लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स ऑटोमेटिकली डिस्कवरिंग एंड लर्निंग द रेगुलरिटीज और पैटर्न्स इन इनपुट डेटा इन सच अ वे दैट द मॉडल कैन बी यूज टू जनरेट और आउटपुट न्यू एग्जाम्पल। मीन्स हमारे पिक्चर में जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी पैटर्न हैं, उस पैटर्न को हम इनपुट डेटा से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और फिर उसी डेटा को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टू जनरेट न्यू न्यू इमेज। ओके, सो द नेटवर्क लर्न्स टू जनरेट फ्रॉम अ ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है, जो पिक्चर इन की इंफॉर्मेशन है, उस डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन में से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो प्रोसेस है इसमें हम दो गेम प्लेयर यूज करते हैं, जिसमें दो एंटिटीज हैं, फर्स्ट वन इज जनरेटर एंड सेकेंड वन इज डिस्क्रिमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे जो जो मेन समझने वाली चीज है कि बेसिकली डिस्क्रिमिनेटिव प्रोसेस क्या होता है और जनरेटिव प्रोसेस क्या होता है।
क्योंकि हम यहाँ जो दो मेन गेम प्लेयर यूज कर रहे हैं, पहला गेम प्लेयर का नाम है जनरेटर, जो क्या करेगा, जनरेट करेगा, जिसका जिसका मैकेनिज्म जो होगा वो जनरेटिव टाइप होगा। दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर, मतलब दूसरा वाला क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, भेदभाव करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये इमेज इससे मिलती है या नहीं मिलती है। तो उसका काम क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है, मतलब उसमें गलतियों को ढूंढना और आइडेंटिफाई करना, ये इमेज से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ज्ञान को समझने से पहले हमें ये समझना होगा डिस्क्रिमिनेटिव प्रोसेस क्या होता है और जनरेटिव प्रोसेस क्या होता है। सो लेट्स मूव टू द जनरेटिव। ए लॉट्स ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम सो फॉर एंड ऑल आर डिस्क्रिमिनेटिव एल्गोरिथम, बट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट जनरेटिव मॉडल्स। सो लेट मी क्विकली डिटेल्स यू अबाउट व्हाट इज डिफरेंस आर। सपोज हमारे पास एक इनपुट पेयर है एक्स फाइव, ठीक है, वेयर एक्स इज ए इनपुट सेट, ठीक है, और जिसको हम इनपुट भी कह सकते हैं और हम फीचर्स भी कह सकते हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इमेज की इमेज में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फीचर्स है, हमें क्या करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये जो इनपुट और फीचर्स है, ये हमारे किसी इमेज का हो सकता है, टेक्स्ट का हो सकता है, किसी ऑडियो डेटा का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। वही वाई क्या है हमारा, वाई हमारा क्या है, टारगेट आउटपुट, जिसको हम लेबल भी कह सकते हैं। यानी जो फीचर्स है वो हमारा इनपुट होगा और जो लेबल है वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। नॉर्मली जितने भी हमने क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम या क्लासिफिकेशन के मेथड्स देखे हैं, उसमें बेसिकली हम करते क्या, इमेज की इमेज इनपुट लेयर पे इमेज पास करते हैं, उस इमेज की फीचर्स को हमारा नेटवर्क एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब उसके नाक कैसे, उसके कान कैसे, उसका मुंह कैसा, उसकी आंखें कैसी, उसका सर कैसा है, इन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके, उन फीचर्स की इंफॉर्मेशन को यूज करके आउटपुट साइड में क्या करता है, वो लेबल करता है, लेबलिंग करता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, फीचर को यूज करके हम लेबलिंग कर रहे हैं, ये हमारा कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटिव प्रोसेस, ओके। लेकिन अगर जनरेटिव की बात करें, अच्छा डिस्क्रिमिनेशन को और समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास मेल है, ठीक है, वो मेल स्पैम है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस होगा वो आपको बेसिकली डिस्क्रिमिनेटिव प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है, जिसमें आपके पास इनपुट साइड में मेल है, ठीक है, और टारगेट में आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो स्पैम है या नहीं, यानी आप लेबलिंग कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो डिस्क्रिमिनेटिव प्रोसेस होता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होता है। और यानी कि कह रहा है, सो द मॉडल लर्न टू प्रिडिक्ट द लेबल्स फ्रॉम द डेटा, अदर वर्ड्स इट लर्न्स द डिसीजन बाउंड्री बिटवीन क्लासेस। मींस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को यूज करके हम लेबलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेबलिंग करके हम एक डिसीजन बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, जो उन डेटा को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। अब अगर जनरेटिव की बात करें, तो अभी थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे, इनपुट सेट यानी फीचर को लेकर के लेबलिंग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें उन फीचर्स को यूज करके लेबलिंग नहीं करना है, उन फीचर्स को यूज करके उस इनपुट इमेज की इंफॉर्मेशन में जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उसको यूज करके एक नई तरह की इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है, ठीक है, यानी जनरेट करना है। एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें क्लासीफाई नहीं करना है, हमें लेबलिंग नहीं करनी है, हमें जनरेट करना है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो जनरेशन, चाहे वो सेम इमेज हो या उस इमेज में कुछ मैनिपुलेट करके हम कुछ नई इमेज बना रहे हो, मतलब हम यहाँ पे ओल्ड इन्फॉर्मेशन को यूज कर कुछ नई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो गिवन इनपुट वी वांट टू बिल्ड अ मॉडल दैट कैन अंडरस्टैंड द इनपुट्स टू जनरेट सिमिलर इनपुट्स एंड इट्स लेबल फ्रॉम द टारगेट। एग्जाम्पल, दिस मेल इज स्पैम, व्हाट लाइकली आर दिस फीचर्स और हाउ डज अ ईमेल लुक्स लाइक। बेसिकली जो जनरेटिव प्रोसेस होता है हमारा, वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होता है। और अभी अभी जो मैंने आपको डिस्क्रिमिनेटिव प्रोसेस बताया, डिस्क्रिमिनेटिव बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होता है। तो यहां देखिए कह रहा है, इट केयर्स अबाउट हाउ द ट्रेनिंग डेटा इज जनरेटेड, इट केयर्स अबाउट हाउ टू गेट एक्स। मींस आपको ये आइडेंटिफाई करना है, इनपुट जो आपके पास इमेज है उस इमेज में से एक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और उस ट्रेनिंग डेटा को यूज करके हाउ द ट्रेनिंग डेटा इज जनरेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब आपके पास जो इनपुट इमेज है, उस इमेज से आपको एक्स आइडेंटिफाई करना हो, उस एक्स को आइडेंटिफाई करके आपको फर्दर फिर जनरेशन नए इमेज का करना है।
तो ये हमारे डिफरेंस हो गया डिस्क्रिमिनेशन और जनरेशन के बीच में। यहां देखिए कह रहा है गैन आर जनरेटिव मॉडल दैट ट्राई टू लर्न द मॉडल टू जनरेट द इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूरे के पूरे गैन गैन के मेथड को यहाँ डिस्क्राइब कर रही है। कह रहा है गैन आर जनरेटिव मॉडल। गैन एक ऐसा मॉडल है जिसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो जनरेटिव होता है, ठीक है, मतलब किसी भी नए इंफॉर्मेशन को जनरेट करना। ट्राई टू लर्न द मॉडल, ये बेसिकली करता क्या है, जो मॉडल जो हमारे पास इनपुट इंफॉर्मेशन उस इनपुट इंफॉर्मेशन को लर्न करता है और तब क्या करता है, जनरेट करता है एक ऐसा आउटपुट जो कि इनपुट के डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही है, मतलब इनपुट जो हमने इनपुट इमेज दिया है उस इनपुट के जैसा ही है और वो रियलिस्टिक लगता है, बिल्कुल रियल लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है गैन जो है हमारे इनपुट साइड में गिवन इमेज की इंफॉर्मेशन के फीचर्स को यूज करके या इनपुट्स को एक्सट्रैक्ट करके उसी इंफॉर्मेशन को फर्दर अप्लाई करके एक डिफरेंट इमेज बनाता है जो कि इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रोक्सीमेटेड होता है। गैन्स एंड गोल्स इज टू प्रिडिक्ट फीचर गिवन अ लेबल इंस्टीड ऑफ प्रिडिक्टिंग अ लेबल गिवन फीचर। बेसिकली कह रहा है गैन्स एंड गोल इज टू प्रिडिक्ट फीचर्स, ठीक है, गिवन अ लेबल इंस्टीड ऑफ प्रिडिक्टिंग अ लेबल Instead of predicting a label given features, जैसे कि कह रहे हैं मतलब ये इससे पहले हम क्या करते थे, जितने भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज करते थे हम वहाँ फीचर को यूज करके लेबलिंग करते थे, लेकिन हम ज्ञान में क्या कर रहे हैं, हम फीचर को यूज करके लेबलिंग नहीं कर रहे हैं, हम फीचर्स को यूज करके एक नई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया, इफ वी टेक कैट इमेज Being X, यानी आपके पास इनपुट लेयर पे कैट की इमेज है जिसको आप एज्यूम कर रहे हैं वो X है। Then GAN goals is to learn a model that can produce the realistic or believable cat image from the training data X. यानी आपके पास ट्रेनिंग डेटा X था, ठीक है, अब आप चाहते हैं, आप अपने GAN नेटवर्क को आप इतना ट्रेन करना चाहते हैं कि वो अपने आउटपुट पे इस X जैसा, इस इनपुट सेट जैसा ही एक इमेज प्रोड्यूस कर दे जो बिल्कुल रियल लगे देखने में। तो ये होता है इसका गैन का ऑब्जेक्टिव। अब बेसिकली बात करते हैं कि गैन नेटवर्क वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैन में दो दो मेन गेम प्लेयर हैं जो कि अपने आप में एक न्यूरल नेटवर्क है। सो जनरल एडवर्सल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू न्यूरल नेटवर्क, फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कॉल्ड जनरेटर एंड सेकेंड न्यूरल नेटवर्क कॉल्ड discriminator, ठीक है। A neural network called generator which generates new data points from some random uniform distribution. The goal is to produce the similar type of fake result from input. मतलब generator क्या कर रहा है, जो जो data हम दे रहे हैं, ठीक है, उन डेटा को यूज करके, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज करके, उन डेटा पॉइंट के डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज करके एक फेक इमेज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इनपुट इमेज जैसी ही वो दिख रही है। डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, व्हाइल अनदर न्यूरल नेटवर्क कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटर व्हिच आइडेंटिफाइज द फेक डेटा प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर फ्रॉम द रियल डेटा। डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, जनरेटर ने एक फेक इमेज बना दी, डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, वो ओरिजिनल इमेज को भी लेगा और फेक इमेज को भी लेगा, उसको कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि कितना लॉस हो रहा है इसमें, ठीक है। तो वो अगर उसमें कुछ लॉस एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या करता है, जनरेटर को बोलता है कि नहीं ये इमेज एक्यूरेट इमेज नहीं है, तो जनरेटर क्या करता है, फिर से नई इमेज जनरेट करता है और फिर डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, उस न्यू इमेज और रियल इमेज को कंपेयर करता है, फिर डिस्क्रिमिनेटर बोलता है जनरेटर को कि नहीं ये सही इमेज नहीं है, फिर जनरेटर उसमें कुछ चेंजेस करता है, नई इमेज जनरेट करता है, ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दोनों सेटिस्फाइड ना हो जाए। सो द मेन आइडिया फॉर गैन इज टू ट्रेन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। तो अगर हम
जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो इस नेटवर्क को अगर हमें ट्रेंड करना है बाय यूजिंग अ ट्रेनिंग डेटा, तो हमें यहाँ पे दो दो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेंड करना होगा। इसमें पहला जो न्यूरल नेटवर्क वो है जनरेटेड, दूसरा न्यूरल नेटवर्क जो है वो डिस्क्रिमिनेटर। इट्स ट्रेंड टू डिफरेंट नेटवर्क्स टू कंप्यूट विद ईच अदर विद टू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो अगर हम दो, हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स है जिसको हमें ट्रेनिंग डेटा सेट को यूज करके ट्रेंड करना है, इट मीन्स हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस भी होंगे वो भी दो तरह के होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है द जनरेटर जी ट्राइज टू फूल द डिस्क्रिमिनेटर इनटू बिलीविंग दैट द इनपुट सेट बाय जनरेटर इज रियल। तो जो जो जनरेटर है वो ऐसी इमेज बनाना चाहता है ताकि वो डिस्क्रिमिनेटर को ये बोल सके कि नहीं ये रियल इमेज है। व्हाइल द डिस्क्रिमिनेटर डी गिव्स अ स्लैप टू द जनरेटर बाय आइडेंटिफाइंग दैट दिस इज अ फेक। और डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, डिस्क्रिमिनेटर कैपिटल डी क्या करता है, वो उस इमेज में उस इमेज को या उस इमेज के डेटा पॉइंट्स को देखकर ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये ओरिजिनल इमेज नहीं है, ये फेक इमेज है, और जो जनरेटर है उसको ये इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद फिर जनरेटर क्या करेगा, अगेंस्ट न्यू इंफॉर्मेशन न्यू पिक्चर जनरेट करेगा। देन आफ्टर टॉकिंग द स्लैब फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेटर डी द जनरेटर जी लर्न्स टू प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग डेटा इनपुट्स। तो अगेन ये थर्ड पॉइंट जो इसका, इस थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जब डिस्क्रिमिनेटर ने डिनाई कर दिया एक्सेप्ट उस जनरेटेड इमेज को जो कि जनरेटर ने बनाया था, तो जनरेटर क्या करता है फिर नए सिरे से एक नई इमेज प्रोड्यूस करता है, फिर अगेन वो डिस्क्रिमिनेटर को देता है। तो जो प्रोसेस है यही प्रोसेस हमारा कहलाता है एडवर्सल ट्रेनिंग। ठीक है, एडवर्सल ट्रेनिंग मतलब, एडवर्सल मतलब विरोधाभास। ठीक है, ऐसी ट्रेनिंग जिसमें हम बार बार विरोध कर रहे हैं, आपने कुछ बना के दिया कि देख लीजिए सही है, हमने बोल दिया नहीं ये गलत है, फिर बना के दिया सही है देख लीजिए, हमने बोला नहीं ये गलत है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं बार बार उसमें कमियों को निकाल रहे हैं, बार बार उसमें कमियों को निकाल के उसको गलत साबित कर रहे हैं। तो अगर बार बार हम कमियों को निकाल के उसको गलत साबित कर रहे हैं और उन कमियों को हर बार अगर हम दूर करते रहें, तो एक इटरेशन के बाद हमारे उस इमेज में, हमारे उस आउटपुट डेटा सेट में प्रॉपर एक्यूरेसी आ जाएगी। ये जो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोसेस है ये सारी चीज अभी तक हमने समझ ली है। ठीक है, इसमें देखिए जनरेटर जी है, वो जनरेटर जी जो है बेसिकली इनपुट सेट के जो इमेजेस है उसी उस इमेज से जो फीचर्स है, जो डेटा है उसको कलेक्ट करके उसको कलेक्ट करके वो एक न्यू इमेज जो है जनरेट करता है। और जो डिस्क्रिमिनेटर वो फेक इमेज को और रियल, जो रियल पिक्चर की इमेज है, उन दोनों को यूज करके कंपेयर करता है। और अगर उसे लगता है कि जो ये इमेज जो जनरेटर ने जनरेट किया वो फेक है, तो दोबारा जनरेटर को बोलता है कि नहीं ये रियल इमेज नहीं है, तो जनरेटर क्या करता है फिर अगेन क्या करता है, एक नई इमेज को जनरेट करता है। और इस सभी प्रोसेस में जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरल नेटवर्क हैं, इन दोनों न्यूरल नेटवर्क का अपना खुद का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो बेसिकली अब उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन मूव करते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है द जनरेटर जी गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड जनरेटर जी गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एट जनरेटिंग द रियल टाइप ऑफ रिजल्ट एंड द डिस्क्रिमिनेटर डी आल्सो गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एट आइडेंटिफाइंग विच वन इज रियल विच वन इज फेक। तो बेसिकली यहाँ जो दो जनरेटर दिखाए गए हैं, सॉरी दो न्यूरल नेटवर्क जो दिखाए गए यहाँ पे, जिससे पहला है हमारा जनरेटर, जिससे पहला है हमारा जनरेटर और दूसरा हमारा डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, तो जनरेटर की अगर बात करें तो इस जनरेटर में इस जनरेटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम मेथड और मैकेनिज्म और लेयर्स यूज करते हैं। जैसे इस जनरेटर में जो लेयर यूजर है वो कन्वोल्यूशन लेयर यूजर है। ठीक है, और इसमें जो हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज कर रहे हैं बैच नॉर्मलाइजेशन यूज कर रहे हैं, और जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं वो रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें मिल करके हमारा जनरेटर बनती है। ठीक है, सेम ये डिस्क्रिमिनेटर की अगर बात करें तो डिस्क्रिमिनेटर में जो हम नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं, ये न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्लासिफायर होता है। ठीक है, जो ओरिजिनल इमेज और फेक इमेज को यूज करके कंपेयर करता है और आइडेंटिफाई करता है कि ये जो जनरेटर के द्वारा जनरेटेड इमेज है ये ओरिजिनल है या नहीं है।
देखिए अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर जो है इमेज की, जो भी हमारे पास इमेज है उस इमेज से जो भी नॉइस डेटा है उस नॉइस डेटा को यूज करके एक एक आउटपुट इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं जी जेड, जिसको हम बोलते हैं जी जेड, ठीक है। और यही आउटपुट इंफॉर्मेशन जो है हमारी फेक इमेज होती है, रियल इमेज की हमने फेक इमेज बनाया, ठीक है। अब इसी फेक इमेज को हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेटर को देते हैं। तो अगर हमने डिस्क्रिमिनेटर को फेक फेक इमेज दिया तो डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, उस फेक इमेज को रियल इमेज के साथ कंपेयर करता है और क्लासिफाई करता है, दिस इज अ रियल, दिस इज दिस 0 का मतलब दिस इज नॉट अ रियल इमेज और 1 का मतलब दिस इज अ रियल इमेज, ठीक है। तो पहले जब हम जो डिस्क्रिमिनेटर है, डिस्क्रिमिनेटर का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो डीएक्स है। तो जब डीएक्स में हम बेसिकली एक्स का इनपुट सेट है और इस इनपुट सेट में हम क्या दे रहे हैं, फेक इमेज पास कर रहे हैं। तो इस इनपुट सेट में एक एक टाइम में हम फेक इमेज पास करेंगे, एक टाइम में हम रियल इमेज पास करेंगे। तो हमने अभी इनिशियली क्या किया है, डी एक्स लिखा है, एक्स मीन्स रियल इमेज, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे रियल इमेज को पास किया है और डिस्क्रिमिनेटर आइडेंटिफाई कर पा रहा है या दिस इज अ रियल इमेज, ठीक है। वही हमने यहाँ पे एक्स की जगह इस समय हमने डी जी जेड यूज किया हुआ, इट मीन्स दिस इज अ पिक्चर इंफॉर्मेशन ऑफ फेक इमेज। और डिस्क्रिमिनेटर क्या कर रहा है, आउटपुट पे ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है दिस इज अ फेक इमेज। और जो इसका एक्सप्रेशन है वह एफ फेक इम्प्लाइज पी वाई एक्स फेक इम्प्लाइज 0,1। तो बेसिकली इस आउटपुट 0,1 से आइडेंटिफाई हो पाएगा कि दिस इज अ फेक इमेज और दिस इज अ रियल इमेज, ठीक है। तो अब सपोज करिए इस तरह से हम इस तरह से गैन नेटवर्क में डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर जो है काम करते हैं। तो देखिए डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर के रिगार्डिंग एक 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 टेबल बनाया गया है, जिसमें बहुत आसानी से समझाया गया है कि अगर हम डिस्क्रिमिनेटर पॉइंट पे हैं, यानी अगर हम डिस्क्रिमिनेटर न्यूरल नेटवर्क पे हैं, तो बेसिकली कर क्या रहा है, शुड बी मैक्सिमाइज्ड मींस डीएक्स, यानी जो हमने रियल इमेज लिया है, रियल डिस्क्रिमिनेटर ने जिस रियल इमेज को लिया है उस रियल इमेज की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, शुड बी मैक्सिमाइज्ड। और डीजीजेड शुड बी मिनिमाइज्ड मींस जो हमने फेक इमेज के साथ डिस्क्रिमिनेटर काम कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0। डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, रियल इमेज के लिए 1 जनरेट करने की कोशिश करता है और जो जनरेटर के द्वारा जनरेटेड इमेज के लिए वो क्या करता है, 0 जनरेट करने की कोशिश करता है। तभी वो ये शो कर पाएगा कि रियल इमेज और फेक इमेज दोनों सेम नहीं है, क्योंकि तो अगर डी जी जेड भी अगर ये 1 हो गया, डी जी जेड भी अगर 1 हो गया, इट मीन्स रियल इमेज एंड फेक इमेज बोथ आर सेम। तो इस केस में क्या होगा, जनरेटर का काम डन हो जाएगा, मतलब जनरेटर ने जो फेक इमेज बनाया उस फेक इमेज के थ्रू उसने डिस्क्रिमिनेटर को धोखा दे दिया और डिस्क्रिमिनेटर भी ये समझ बैठा कि जो जो फेक इमेज है वो रियल इमेज की ही तरह है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटर हमेशा कोशिश करता है कि जो रियल इमेज है उसके लिए वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सके, यानी 1 कर सके, और जो जो फेक इमेज है उसकी वैल्यू को मिनिमाइज कर सके, यानी 0 कर सके। तभी हमारा रियल इमेज और फेक इमेज के लिए डिस्क्रिमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी, और उस केस में डिस्क्रिमिनेटर जो है जनरेटर को दोबारा से बोलेगा कि नई इमेज प्रोड्यूस करो, और बार बार ये बोलता रहेगा और जनरेटर जो है बार बार नई इमेज जनरेट करता रहेगा, और इस तरह से रिपीटेडली ये प्रोसेस चलता रहेगा, जिसकी वजह से एक समय बाद हमारा जो इमेज है, जो जनरेटर के द्वारा जनरेटेड इमेज है, वो इमेज अप्रोक्सीमेटली वो रियलिस्टिक लगने लगेगी और वो रियल इमेज जैसी हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से हम गैन नेटवर्क का यूज करके किसी भी तरह की इमेज को हम बना सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे गैन नेटवर्क ऐसे ऐसे इमेजेस बना देता है, ऐसे ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ कर देता है कि आप देख के भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि मशीन ने डिजाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो अभी हमने एक टेक्सचुअल फॉर्म में देखा ऊपर टेबल में, उसी चीज को यहाँ मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट किया गया है। जो
तो डिस्क्रिमिनेटर है, देखिए डिस्क्रिमिनेटर में हम दो तरह के लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहला है डी लॉस रियल, ओके, दूसरा है डी लॉस फेक, और इन दोनों लॉस को यूज करके हम डिस्क्रिमिनेटर का लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर का जो है लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में हम सिर्फ एक लॉस कैलकुलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं जी लॉस। और बेसिकली यहाँ जो डिस्क्रिमिनेटर लॉस, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटर लॉस, दिस वन इज अ डिस्क्रिमिनेटर लॉस। इस डिस्क्रिमिनेटर लॉस और इस जनरेटर लॉस को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और इसी मिनिमाइजेशन के लिए जैसे क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर ने जब रियल इमेज को लिया तो उसने कुछ कुछ डी लॉस आइडेंटिफाई किया, और फेक इमेज को लिया तो कुछ डी लॉस आइडेंटिफाई किया, इन दोनों को सम किया, ठीक है, तो उसके पास जो फाइनल लॉस आया वो डी लॉस था, ठीक है। तो अगर ये डी लॉस जीरो हो जाए, ये डी लॉस अगर जीरो हो जाए, इट मीन्स जो रियल इमेज है और जो फेक इमेज है दोनों सेम है। तो अगर जो डी लॉस यहाँ जनरेट हो रहा है डिस्क्रिमिनेटर साइड में, वैसी जनरेटर साइड में भी कुछ जी लॉस जनरेट हो रहा है, तो बेसिकली जनरेटर क्या करता है, इस जी लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और डिस्क्रिमिनेटर इस डी लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम बेसिकली पहले लॉस को कैलकुलेट करते हैं, दिस इज योर लॉस एट डिस्क्रिमिनेटर साइड एंड दिस इज योर लॉस एट जनरेटर साइड। तो बेसिकली इसी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, जो कि अभी आपने ऊपर दिखा फिगर में देखा था, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज किया बैच नॉर्मलाइजेशन। ये बैच नॉर्मलाइजेशन बेसिकली हम इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये जो लॉस फंक्शन, ये जो लॉस जनरेट हो रहा है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेटर साइड में हो चाहे जनरेटर साइड में हो, इसी लॉस को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है। और अगर हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज करें, यानी उस नेटवर्क को, यानी डिस्क्रिमिनेटर के नेटवर्क को और जनरेटर के नेटवर्क को नॉर्मलाइज कर दें, तो ये लॉस जो है रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगा, और हम जनरेटर के द्वारा जनरेटेड इमेज और रियल इमेज जो है अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगी, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ टोटल कॉस्ट दिखाया गया है कि जो ओवरऑल कॉस्ट होगा वो डिस्क्रिमिनेटर के लिए कितना होगा और जनरेटर के लिए कितना होगा, उसको यहाँ देखिए, जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो ओवरऑल कॉस्ट i=1m, वेयर लॉग डी एक्स के पावर आई इज योर रियल इमेज लॉस, एंड लॉग 1-dg z के पावर आई इज योर फेक इमेज लॉस। तो हमने यहाँ क्या किया, इन इमेजेस का ओवरऑल सम ले लिया है, ठीक है। यहाँ जितने 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 भी क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं उस न्यूरल नेटवर्क में, उन सब के लिए हमने क्या किया है, लॉस कैलकुलेट करके उनका ओवरऑल सम निकाल लिया है। सेम हमने जनरेटर के लिए किया है। तो हमें क्या करना है, ये जो लॉस हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इसी लॉस को हमें मिनिमाइज करना है, और इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम बैच नॉर्मलाइजेशन जो है यूज करते हैं। और तो जो डिस्क्रिमिनेटर है, डिस्क्रिमिनेटर मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिमिनेटर जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारे रियल इमेज की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और रिकॉग्नाइज जनरेटेड इमेज बेटर, ये हमारे जनरेटेड इमेज की इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो मैक्स वीडी जनरेट करता है, ठीक है, एक एक वेक्टर की, एक मैक्सिमम वेक्टर की वैल्यू जनरेट करा जो कि डिस्क्रिमिनेटर द्वारा जनरेटेड है, और वैसे ही हम मिन वीजी जनरेट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, बेसिकली इसी फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी रियल इमेज की तरह ही एक फेक इमेज बनाते हैं जो कि बिल्कुल रियल इमेज जैसी ही दिखती है। सो ऑप्टिमाइज जी डैट कैन फूल द डिस्क्रिमिनेटर द मोस्ट, यानी हम जी को, यानी जनरेटर को जितना ही ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे, यानी इस वाली वैल्यू को हम जितना ही ऑप्टिमाइज करेंगे, मतलब जितना ही कम, जितना ही मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू, यानी जो डिस्क्रिमिनेटर इसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, यानी डिस्क्रिमिनेटर उस केस में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मीन्स फेक वैल्यू एंड रियल, फेक वैल्यू की इमेज और रियल वैल्यू की इमेज।